जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत और आज एक और रैली भर्ती आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ जो यूपी विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी है, जो कि ऑन फॉर्म इसका 2021 में स्टार्ट हो चुका है। वरना और जो भी उत्तर प्रदेश में सचिवालय विभाग में कार्य करना चाहता है उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 8 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 12 जनवरी 2021 को लास्ट तिथि है। आज 9 तारीख हो गया, अभी भी आपके पास टाइम है और आप फॉर्म को समय से जरूर फिलअप करें। 12 जनवरी 2021 को ही पेमेंट भरने की भी आखिरी तिथि है, तो याद रखिएगा पेमेंट भरने की भी आखिरी तिथि 12 जनवरी 2021 है। बहुत अच्छी ये भर्ती प्रक्रिया है, इसमें आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। समय से अप्लाई करने से आपके पास अभी भी मौका है और समय से ज़रूर अप्लाई करें। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 950 रुपये, एससी एसटी के लिए 850 रुपये, पीएच के लिए 50 रुपये यहाँ फीस रखी गई है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं या ऑफलाइन चालान के माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें एज की जो गणना होगी उसमें 1 जुलाई 2020 को एज की गणना होगी, लेकिन रिलैक्सेशन आपको नियमानुसार मिलेगा। एडवर्टीजमेंट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिटर जो हैं उनके लिए 30 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच आयु होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लिया जाए तो कुछ में 22 वर्ष से 40 वर्ष और कुछ में 21 वर्ष से 40 वर्ष दिया गया। इसमें मेरे को जो सबसे पसंद भर्ती आई, समीक्षा अधिकारी वाला जो भर्ती है मेरे को बहुत अधिक पसंद आई, क्योंकि इसमें एज बहुत अच्छा दिया गया आपको। और भी 2-3 भर्तियाँ हैं जिसमें आपको एज की पूरी और सीट भी अधिक दिया गया है, तो एज में भी अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको, सीट भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ इस तक ईडब्ल्यूएस वालों को भी एज में बेनिफिट मिलेगा। आप लोग जो भी जनरल से रिलेटेड है और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का अभी तक नहीं बनवाया है तो वो ज़रूर ईडब्ल्यूएस का अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, उसका बहुत बड़ा आपको यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी सीटें हैं इसमें, जिसमें समीक्षा अधिकारी की मेरे को सीट बहुत अधिक पसंद आई, जिसमें जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, टोटल 13 सीट यहाँ पे है। उसके बाद अगर देख लिया जाए असिस्टेंट रवि ऑफिसर के लिए जो है जनरल के लिए 22, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और एससी के लिए 11, एसटी के लिए 1 सीट। वैसे ही सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मेल में इसमें दिया गया है जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए कोई सीट नहीं दी गई है। महिलाओं के लिए भी इसमें एक आवेदन है जो कि भर सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट फीमेल केवल जनरल के लिए 1 सीट दी गई है। टोटल 83 सीट यहाँ पे है और आप अपना समय से आवेदन कर सकते हैं, तो ये सुनहरा अवसर होगा। और अगर आप इसको भरना चाहते हैं उससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिए, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट से आप वहाँ डाउनलोड कर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म से भी जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो सबसे आसान होगा कि आप ऑफलाइन फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म को जाके अप्लाई जरूर करें। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।